हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ESIC में वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए जो डेट थी वो 17/5/2023 थी, लेकिन अभी इस डेट को बढ़ा दिया गया है। क्या वो डेट दी गई है? इसके साथ साथ में ESIC ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। काफी जो ESIC मेंबर्स हैं या जो उनके बच्चे हैं, उनके कमेंट मेरे को भी आ रहे थे और वो लोग ग्रीवेंस भी रेज कर रहे थे कि जो वार्ड ऑफ IP इंश्योर्ड सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो रेफरेंस नंबर है वो नहीं मिल रहा है या फिर उनका जो एप्लीकेशन है वो सेव नहीं हो रहा है। इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी। इससे रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, बताया है कि आप कैसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे आप ESIC को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके और आप वार्ड ऑफ IP के लिए अप्लाई कर सके। और इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने बताया, ये काफी अच्छा अपडेट है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है ESIC की तरफ से, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन थी ये देखिए, वार्ड ऑफ IP इज एक्टिव फ्रॉम 4/5/2023, यानी कि इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए 4/5/2023 जो डेट थी वो डेट थी कि उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो डेट है पहले 17/5/23 थी, उसको बढ़ा दिया गया है 31/5/2023 @23:59, यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमिक सेशन 2023-24। और अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको IP नंबर डालना है, अपना नीट का रोल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डलेगा वो IP का डलेगा, ना कि जो नीट के जो स्टूडेंट है उनका, यानी कि मान लो आपके फादर या मदर का जो IP है उनका IP नंबर यहाँ पे डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, रोल नंबर यहाँ पे आपका डलेगा और आपको लॉगिन करना है। तो जो इसकी डेट बढ़ाई गई है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ESIC की तरफ से वो 17/5/2023 को जारी किया गया है, जो कि लास्ट डेट थी, उसी दिन पे यह नोटिफिकेशन आ गया था। इसमें लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन UG MBBS BDS कोर्स इन ESIC। इसमें लिखा हुआ है रिवाइज शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो जो एक्टिविटी इसमें इंक्लूड है इसको अप्लाई करने के लिए उनमें रिविजन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट जो है एक्सटेंड की गई है 31/5/2023 तक जो पोर्टल है ओपन होगा। और इसके बाद अगर आपको 31/5/2023 तक वार्ड ऑफ IP का जो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट बाय कंसर्न ESIC रीजनल सब रीजनल ऑफिस इज एक्सटेंडेड अप टू 5/6/2023, यानी कि 5 जून तक आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि 7 तारीख से आपका जो पोर्टल है ये एक्टिव हुआ था, 31/5/2023 तक ये पोर्टल आपका ओपन रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलना है वो 5/6/2023 तक मिलेगा। अगर 5/6/2023 तक नहीं मिला, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है अपना जो अप्लाई करने के लिए वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन आप फिल करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपली कॉन्टेक्ट करना है ESIC को। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंटरेस्टेड एलिजिबल इंश्योर्ड पर्सन आर एडवाइज टू अप्लाई वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल। एनी इशू इन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट मे बी रिपोर्टेड टू 0112755237 एंड मेल टू itcare@esic.nic.in। आपको इसके साथ में CC करना है, ये दो ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, इनको CC में रखना है और इसको आपको 2 में रखना है और आपको ईमेल कर देना है। जब आप ईमेल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको उस ईमेल में मेंशन करनी है। आपको नेम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि जो IP है जिनका ESIC नंबर है उनका नाम आपको डालना है, उनका इंश्योरेंस नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, जो प्रॉब्लम है आपको उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और अगर पॉसिबल है जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो एरर आपको आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है। इसके अलावा देखिए, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जो वार्ड ऑफ IP अपलोड जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए जो फोटो अपलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वाइल अपलोडिंग फोटो ऑफ IP, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उनकी फोटो आप अपलोड करोगे तो उसका नाम आपको देना है, उनका इंश्योरेंस नंबर। और जब फोटो ऑफ वार्ड, जब आप अपना फोटो अपलोड करोगे तो आपको फाइल का नाम देना है, आपका जो रोल नंबर है वो, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर ये है तो ऐसे आपको देना है। और जो आपके फादर हैं मदर हैं जिनका भी इंश्योरेंस नंबर है, अगर उनकी फोटो अपलोड करनी है तो आपको उनका ESIC नंबर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपनी फोटो अपलोड करते टाइम, और इंश्योर्ड पर्सन की फोटो अपलोड करते टाइम जो नाम देना है वो आपको इस तरह से देना है, ESIC नंबर और नीट का रोल नंबर। इसलिए जो है देखिए, ESIC रीजनल सब रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट है, यहाँ पे जो रीजनल ऑफिस है ESIC
वो कॉन्टेक्ट कर सकता है ITHelpDesk@ESIC.in पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ITCare@ESIC.NIC.in पे। तो ये काफी अच्छा अपडेट है ESIC की तरफ से कि डेट एक्सटेंड कर दी है। काफी एम्प्लॉयज थे, काफी उनके जो बच्चे थे वो हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वार्ड ऑफ इंश्योर्ड सर्टिफिकेट के लिए, वार्ड ऑफ IP के लिए, तो अब वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट 31/5/2023 कर दी गई है। इसके साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एप्लीकेशन फिल करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ITCare में ईमेल कर सकते हैं, जो मोबाइल है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपको किस पे ईमेल करना है, किसको CC रखना है, क्या क्या डिटेल आपको मेल करते टाइम देनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है वार्ड ऑफ IP के लिए वो अप्लाई कर सकें, क्योंकि इसकी डेट पहले सबको पता है 17/5/2023 थी, अभी इसको 21/5/2023 कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।